बेटा क्या समस्या हो गई है? सर शीत लहर और सन ऑफ राजू लहर एड्रेस उसका हसारी टपरिया मोहल्ला है, वो मुझे काफी तरह से परेशान कर रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है। मेरी कुछ उसके पास फोटोज है जिसकी वजह से वो लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे साथ रहो कोई बिना शादी के। मैंने कहा अगर रहना है तो शादी करो, तो शादी करने के लिए मना कर रहा है और कह रहा बिना शादी के रहो। हम बहुत ज्यादा परेशान थे, इस टेंशन में आके हमने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली तो मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि किस वजह से लगाई। मैंने घर वालों को बताया कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि मेरे साथ रहो वो बिना शादी किए। मैंने मना कर दिया तो वो लोग टॉर्चर करने लगे और फिर हमारे घर पर आ गए, सब लोगों से मारपीट की। घर में सारी लेडीज थी, उन लोगों को मारा और हम लोगों के साथ जबरदस्ती भी करने लगे। पिछले कितने समय से ये परेशान कर रहा है? पिछले 2-3 महीने से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत आपने की? मैंने शिकायत की थी कोतवाली में, लिखित उनको एप्लीकेशन भी दी थी लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मैंने 1076 में भी फोन लगाया था। आत्महत्या का प्रयास आपने कब किया था? आज सुबह। उसका कारण क्या था? वो लड़का जी, कारण वो लड़का था क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे परेशान न करे और हम लोगों को न्याय मिले। आज जो आप कह रहे हैं कि घर पे कुछ लोग आए थे, कितने लोग थे, क्या क्या, कौन कौन थे, कुछ जानती है किसी को? जी, जिसमें वो लड़का था जिसका नाम शीतल अहिरवार है और उसका भाई ओम प्रकाश था, उसके पापा थे राजू अहिरवार और उसकी माँ भी आई थी और वो कुछ मोहल्ले के लोगों को भी लेके आए थे, 8-10 लोगों को। क्या किया उन्होंने यहाँ पे? यहाँ पे आके हम लोगों को मारपीट करने लगे, जबरदस्ती घर में घुसा, पूरा घर में तोड़फोड़ भी करने लगे। तो क्या पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस भी आई थी लेकिन पुलिस ने हम लोगों का साथ देने के बजाय लड़के का साथ दिया। हम लोगों के साथ कोई भी इंसाफ नहीं कर रहा है। तो ये सामान जो घर पे तोड़फोड़ है ये किसने की है? सारी तोड़फोड़ पुलिस वालों ने भी की है और साथ में वो जो मारपीट करने आए तो उन्होंने भी की है। तो क्या सामान वामान कुछ ले गए क्या? जी, 2-3 फोन ले गए हैं और एसी तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दी और टीवी तोड़ दी और 2-3 फोन भी ले गए हैं साथ में। फोन कौन ले गया? पुलिस ले गई फोन। इसमें क्या लगता है आपको कि पुलिस आपकी सहायता न करके दूसरी की सहायता कर रही है? बिल्कुल, पुलिस हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारा सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि जो गलत है उसका सहयोग कर रही है। तो उस लड़के से आपसे कैसे, मतलब कैसे, कोई वीडियो फोटो क्या आपने, किस तरीके से दोस्ती कैसे हुई, क्या हुआ था आपको? दरअसल 2 साल पहले मेरी उससे बातचीत हुई थी तो जिसमें हमारे आपस में बैठ के घर वालों ने बातचीत कर ली थी कि हम लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे, बात नहीं करेंगे, तो मैटर खत्म हो गया था। फिर मैं जब ऑफिस जाती थी तो मेरे ऑफिस आ जाता था रोज और मुझे परेशान करता था रास्ते में। क्या काम करता था वो? एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता है। कहाँ पर? अभी उसका पता आसारी का है।